हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति सिकरवार ब्लॉग में। कहो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। सुबह का टाइम है अभी, यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ आज पोहे। तो अभ्या को मुझे भेजना है मंदिर पर झड़वाने के लिए। माता रानी का मंदिर है तो झाड़ा लग जाएगा, तो शायद वो सही हो जाए। सर्दियों में मटर वगैरह डाल के बनाते हैं पोहे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो पोहे मेरे बन चुके हैं और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरे धनिए की पत्ती। तो चलिए अव्या नव्या को दे देती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेंगी, उसके बाद वो मंदिर ले जा रहे हैं अव्या को। तो मैं नहीं जाऊँगी, बस यही ले कर चले जाएँगे तो झाड़ा लग जाएगा मंदिर पर। सो यहाँ पे मैंने अव्या नव्या के लिए नाश्ता लगा दिया है प्लेट में, तो चलिए इन दोनों को दे देती हूँ। बाहर बैठी हैं दोनों, बाहर वाले रूम में। तो अव्या की बिल्कुल भी पोहा खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, उसका मन ही नहीं कर रहा है कुछ खाने का, तो ज़बरदस्ती मैंने दे दिया है कि थोड़ा खा लो। यहाँ पे मैं पानी दे गई हूँ बोतल में, इनका गुनगुना करके पानी भर देती हूँ तो थोड़ा गला सही रहेगा, और सर्दियों में गुनगुना पानी सही भी रहता है, पीना चाहिए। तो मैं दोनों को सादा पानी नहीं देती हूँ। थोड़े तो खा लो, नहीं थोड़े नहीं। आधे नहीं। अच्छा क्या लगता है तुम्हें? कुछ भी नहीं। थोड़ा सा खा लो, आधे अभी पूरे रखे हैं, बताओ कुछ नहीं खाया। मटर डलिए, मटर भी नहीं अच्छी लग रही। खिलाऊं क्या मैं? खिला दूं थोड़े से? नहीं नहीं नहीं, मम्मी मुझे खबा दो, मुझे खबा दो, मुझे खबा दो बाबा। तुमने भी नहीं खाया अभी? मुझे खबा दो। खा लो, मैं अंदर किचन में काम कर रही हूँ। तू मुझे नहीं खा रहा। खा लो जल्दी खा लो। नहीं खाना। और यहाँ पे मैं अव्या को मंदिर के लिए तैयार कर रही हूँ, पापा के साथ मंदिर जा रही है। माता रानी का मंदिर है तो वहाँ पे ना झाड़ा लगवाने जा रहे हैं ये। हो सकता है कोई नज़र वगैरह लगी हो इसे, इसलिए बुखार नहीं जा रहा है इसका, दवाइयों से नहीं फ़र्क पड़ रहा है, तो झाड़ा लगने से शायद सही हो जाए। गड़ा वगैरह बना देते हैं वहाँ पर, तो बड़ोखर माता के मंदिर जा रही है ये। तो मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नव्या घर पे ही रहेंगे, पापा के साथ चली जाएगी ये। और तब तक मैं अपना काम कर लूँगी, नहाना धोना भी है, खाना तैयार करना है इनके लिए, लौट के आएंगे तब तक। और अभी 9 बज गए हैं, 9 बजे का टाइम है और इनको 1-1.5 घंटा लग जाएगा वापस आने में। तो चलिए इनको निकाल देती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँ। और अभी अव्या भी वापस आ गई है मंदिर से और मेरी छोटी बहन रंजना भी आ गई है अव्या को देखने के लिए। स्कूल क्यों नहीं जाता? दिल्ली से आए, 4-5 दिन हो गए उसको, मम्मी के पास आई थी घूमने के लिए, तो बोल रही थी दीदी अभी टाइम नहीं है, फिर कभी आऊंगी। उसके बेटे की भी पढ़ाई चल रही है तो इस वजह से वो कह रही थी कि एक दिन के लिए क्या आऊं, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना, बोल रही थी मैं आज आती हूँ अव्या को देख जाऊंगी, फिर पता नहीं कब आना हो पाएगा। तो खासकर अव्या की वजह से ही वो आ रही है एक रात के लिए, अभी आई है, कल सुबह निकल जाएगी। और कुछ पैसे भी मैंने मंगाए हुए थे मकान की वजह से, जो कि सबको पता है आप लोगों को कि मकान बन रहा है, तो मकान का अरेंजमेंट चल रहा है, तो इस वजह से भी। तो चलिए अभी ये लोग आए हैं, मैं इनको पानी दे रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है।
तो चलिए चाय मेरी बन चुकी है और इन लोगों को चाय नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। सब्जी मैंने बना के रख दी थी, उसका फ़ोन आया हुआ था कि दीदी मैं आ रही हूँ, तो चलिए बस सिर्फ रोटियाँ ही सेकनी है और फिर खाएंगे सब लोग खाना। सो यहाँ पे मैंने सबको चाय नाश्ता दे दिया हुआ है, आधा कप चाय मैंने भी ले ली है, वैसे सुबह मैं पी चुकी हूँ, बट ठंडी है, ठंडी में दो तीन बार भी चाय हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्मियों में नहीं अच्छी लगती है। तो सब लोग बैठे हैं, बस मैं भी बैठी हूँ। अभ्या की ही बातें चल रही हैं कि इसको क्या हो गया है, इतने दिन से बिल्कुल चेहरा पतला हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि यार एक दो दिन हम नहीं खाते तब भी चेहरा डाउन हो जाता है, आठ दस दिन से कुछ भी नहीं खा रही है, तो बस इसी की बातें चल रही है। देखो गड़ा पहन के आई है, माता रानी के मंदिर गई थी तो वहाँ गड़ा पहना दिया इसको। बोल रहे थे मंदिर पे जो बाबा हैं पुजारी जी की, हो सकता है पीलिया हो गया हो, पीलिया में भी भूख नहीं लगती है, तो तीन दिन तक बुलाया इसको लगातार सुबह सुबह झाड़ा लगाने के लिए। और यहाँ पे दोपहर का खाना भी बन चुका है और बाहर ये दोनों लोग खाना खा रहे हैं, बच्चों ने भी सबने खाना खा लिया है। यहाँ पे रंजना सामान निकाल रही हैं जो लेके आई हुई थी, खाने पीने का सामान है इस थैले में सारा कुछ, गाजर का हलवा है, गुलाब जामुन है, तो ये सारा कुछ दिल्ली से ही लेके आई हुई थी वो, तो काफ़ी सारा हलवा है गाजर का, डेढ़ दो केजी आराम से होगा इस डब्बे में, और गुलाब जामुन है, एक मिठाई का डब्बा है, तो काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वही सब कुछ निकाल के दे रही है। बोल रही थी दीदी सबने खाना खा लिया इन लोगों ने बाहर, तो ये हलवा गर्म करके दे दो तो खा लेंगे खाने के बाद मीठा, तो इसीलिए जल्दी जल्दी निकाल के दे रही है, तो मैं तवे पे गरम करके उन लोगों को दे दूँगी, क्योंकि ठंडा अच्छा नहीं लगता, गरम कर लेते तो टेस्ट आता है अच्छा। तो चलिए इन लोगों को मैं हलवा गरम करके दे देती हूँ। यहाँ पे मैं ये देख लीजिए तवे पे गाजर का हलवा गरम कर रही हूँ, तो गरम गरम बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसा लगता है कि हमने अभी अभी बनाया है। और ये हैं गुलाब जामुन, दिल्ली में ऐसे ही गुलाब जामुन बनते हैं, तो चलिए इनको देने जा रही है दोनों लोगों को बाहर, तो उसके बाद हम लोग भी खाना पीना खाएंगे, बस मैं और रंजना हम दोनों ही बचे हैं खाना खाने के लिए, और बच्चों ने इन्होंने सबने खा लिया है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हो बाबू, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बिजी, क्या ये क्या है, क्या ये, हाँ ये क्या है, ये क्या है, सब खिलौने और शिवांश पीछे अकेला ही खेलने में लगा हुआ है। आ गए तुम, आ गए, तुम्हारे बाल को कौन ले गया, टकलू हो गए, चोटी कहाँ गई तुम्हारी, चोटी कहाँ गई, चोटी कहाँ गई, ये बाल कहाँ है तुम्हारे, बाल कौन ले गया, बाल टीवी कोई नहीं, अभी कर दे वो सिर्फ बजट दे नव्या के लिए, ये पास अरे यार, इसीलिए नव्या कह रही थी अब तो मेरी मौज है ना, नव्या मौसी आ रही, मैं मौज करूंगी, नव्या के लिए पर्स आ गया, ये पूरा कैसे निकलता है चैन, ऐसे मैं ले लूं इसको, ये लो अभ्या का, ये अभ्या नव्या के पर्स ले आई है रंजना, नव्या बहुत खुश है, कैसा लग रहा है पर्स नव्या, क्यों ले आई है ये पर्स, इतने सारे डले हैं इन पे पता है, क्या करेगी पर्स का तुम्हारा दिखा, अपना सामान रखेगी अभ्या, सामान रखोगी, अपना सामान रखेगी, ये अभ्या के लिए लाई है रंजना, ये तो मैं ले लेती हूँ, कैसा लग रहा है अभ्या, अच्छा क्यों है तुम्हें पैसे, हम तुम डाल मौसी मेरे लिए लानी है,
बाबू लग जाएगी बाबू, जल्दी किसी के लग जाएगी है ना। ये नव्या के कपड़े, इतने कपड़े हो गए नव्या के। वो ये अच्छी लग रही है थोड़ी ढीली है, थोड़ी है ना इसलिए इसको तो खा लिया। अच्छी लग रही है, इयररिंग्स पहनोगे अब यार? देखो अब इयररिंग्स कितने प्यारे प्यारे हैं। अब इयररिंग्स पहनी रंजना लेके आई है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना झुमके वाले। एक ये है हाँ, तो एक और लाओ एक जो बन जाए तुम्हारे कैसे रहेंगे है? मिली नहीं थी, बड़ी बड़ी हो रही थी ना, अच्छे लग रहे हैं बाबू। लग जाएगी दे दे के तो दोस्तों यहाँ पे रंजना सारी चीज़ें निकाल निकाल के दे रही है, जो कुछ भी वो लेके आई है, और सब कुछ डेली से ही लेके आई है और सबके लिए लाती है। खासकर अव्या नव्या के लिए तो हमेशा ही लाती रहती है, जब भी उसको आना होता है तो पहले ही खरीद के रख लेती है अव्या नव्या के लिए। और मेरे लिए भी बहुत प्यारे प्यारे झुमके हैं, कान के सुंदर सुंदर इयररिंग्स हैं। अव्या नव्या के लिए भी काफ़ी कुछ है, कपड़े हैं, पर्स है, रिंग है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो जब वो यहाँ आ नहीं रही थी तो बोल रही दीदी मैं मम्मी के पास रख जाऊँगी, तो कोई आएगा जाएगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगी, और फिर वो आ ही गई एक दिन के लिए अव्या की वजह से। अव्या का बहुत प्यारा लग रहा है, थैंक यू तो बोला नहीं मौसी को, ऐसे थैंक यू। नव्या आपने थैंक यू बोला, इतनी सारी चीज़ आ गई अव्या की, तभी तो पेट कसता है इसका, बहुत ऊपर कर चढ़ा लेती है तो वो अंदर दो पहने हैं इसलिए, और वो दो दो पहने ऊपर ऊपर भी तो बहुत इसको निकाल दो टैग। और अव्या नव्या काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, ये देख लीजिए कितनी खुश नज़र आ रही हैं। अव्या इतने दिनों से बिस्तर पे ही डली रहती है और उठती भी नहीं है, ओढ़ के लेटी रहती है, लेकिन पता चला कि मौसी आ रही हैं तो ये देख लीजिए खड़ी भी हो गई, सुबह से इंतज़ार भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा खुश हैं दोनों। और यहाँ पे रंजना कपड़े देख रही हैं कि इनके फिट आएंगे कि नहीं, पहना के और रख के देख रही हैं कि सही से बन जाएंगे कि नहीं दोनों के। रिंग रिंग भी मिली है, दिखाओ इधर दिखाओ, इसको क्यों दे रही है रंजना ये रिंग? बन जाएगी उसकी, बन जाए उसी की साइज की है, बिल्कुल छोटी सी बन जाएगी, चांदी की है बेटा, ये बन जाएगी, खोद होगी तुम अभी कहाँ पहनना जानो, दिखाओ पहन के, दिखाओ पहन के। डेली में नहीं पहनना ना, स्कूल जाना है ना, तो डेली में नहीं पहनना, वैसे अच्छी लग रही है, डिजाइन अच्छा लग रहा है, इसी है ना, अच्छी लग रही है। बन गया नमो के, बन गया नमो के, अच्छा लग रहा है। नव्या का कलर भी प्यारा है, ये सॉफ्ट वाले हैं, सर्दियों वाले है ना, गर्म है, गर्म है। मौसी के आने से अव्या नव्या की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा खुश हैं दोनों। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ, और रंजना लगी हुई हैं सारे कपड़े चेक करने में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सबको बताना ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में, अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, पब्लिक करें, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे एक ब्लॉग के साथ, बहुत ही अच्छे एक वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो का वेट करते रहना, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय माता दी।